धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान पालम विधानसभा, उत्तर नगर विधानसभा, द्वारका विधानसभा, मटियाला विधानसभा और कुछ नजफगढ़ का भी हिस्सा है जहाँ से लोग जो है पालम फ्लाईओवर का इस्तेमाल करते हैं। द्वारका के अंदर जब एंट्री होती है तो पालम फ्लाईओवर को क्रॉस करने में हर रोज 1 घंटा लगता है। मात्र 2 किलोमीटर का जो रास्ता है, आज सुबह मैं आया हूँ, 9 बजे घर से निकला हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, नेट 1 घंटा पालम फ्लाईओवर को क्रॉस करने में लग गया। और ये हमारी 4 विधानसभा इससे परेशान है। भावना जी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारी विधानसभाएं परेशान है। और दूसरा, वहां पे अभी 1500 बेड का अस्पताल जो है वो चालू हो गया दिल्ली सरकार का, द्वारका के अंदर, तो लोग चारों तरफ से जाएंगे। तो मेरा निवेदन है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी यहाँ बैठे हैं, कि आप एक दिन का वहां पे दौरा रखें, सारे सीनियर ऑफिसर्स को, पीडब्ल्यूडी के जितने अधिकारी हैं उनको लेकर आए, इसका समाधान हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें वहां विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे टनल बनेगी, जब तक टनल नहीं बनेगी इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि इस फ्लाईओवर को ही गलत बनाया गया है। क्योंकि जो रोड जाता है फ्लाईओवर की तरफ वो चौड़ा और आगे जाके फ्लाईओवर भीड़ा हो, जिसकी वजह से रोजाना वहां पे जाम लगता है। मेरा निवेदन है, क्योंकि द्वारका की सोसाइटीज में या कहीं पे भी मीटिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा पिछले 8 साल में 9 साल में अगर किसी ने किसी मुद्दे को उठाया जनता ने, उन्होंने कहा भाई ये समाधान दे दो, रोजाना 1-1 घंटा खून के आंसू होते हैं वहां खड़े होके, इतना बुरा हाल है वहां पे। तो मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लिया जाए। और जो अभी गुप्ता जी ने बात कही, ये हर विधायक की पीड़ा है। 280 सिर्फ कहने के लिए रह गया, बोलने के लिए रह गया है, इसका कोई फायदा नहीं है। शर्म आनी चाहिए अधिकारियों को कि सदन में नहीं है, सारे विधायक यहाँ बैठे हैं, आप बैठे हो, विपक्ष बैठा है, हम बोले जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। ना जाने इस तरह के कितने सारे मुद्दे इस सदन के अंदर सभी विधायक साथी उठे, कोई आज तक चिट्ठी नहीं आई रिप्लाई में, क्या फायदा है ऐसे 280 का। हम आके अपनी पीड़ा रो लेते हैं लेकिन एक लिखित में नहीं आती, जबकि अध्यक्ष महोदय ने भी ये हमें आश्वासन दिया था कि आपको सबको 280 का रिटर्न में जवाब आएगा, कोई जवाब नहीं आता। इसलिए आप इसके ऊपर गंभीरता से संज्ञान लें और अधिकारियों को अगले सेशन में जरूर बुलाया जाए, उनको बैठाया जाए, ताकि वो भी इस बात को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश ऋषि।